तो है यूट्यूब, दिस इज़ माई ब्रांड न्यू चैनल। और मेरे चैनल कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये ब्रांड न्यू चैनल है तो इसको ग्रोथ करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। और यहाँ पर मैंने रिंग बना रखा है, क्योंकि आज हम फाइटिंग कराने वाले हैं आयरन गोलम और सल्कर्स की, और एक बड़े बॉस की जो है माइनक्राफ्ट का भी 1.19 में आया है जो बॉस, जिसका नाम है वार्डन, उसकी हम बहुत सारे बॉस से फाइट कराने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो हम यहाँ पर से सारे पहले तो एग्ज़ निकाल लेते हैं। हमको कवर पम्पकिन चाहिए और कैश सेल्कर्स का एग चाहिए, और यहाँ पर सेल्कर का एग निकाल लेते हैं। और हमको गोलम स्पॉन करवाने हैं, और यहाँ पर पम्पकिन ऊपर लगा लगा के, पहले तो हम यहाँ पर पम्पकिन लगा के आयरन गोलम स्पॉन करा देते हैं। लेट्स गो। तो हम यहाँ पर आयरन गोलम स्पॉन करा रहे हैं, और ये हमने सभी के सभी आयरन गोलम स्पॉन करा दिए हैं लिटरली। और यहाँ पर हमको सेल्कर्स की फाइटिंग करानी है। लेट्स गो। अब यहाँ पर हमको सेल्कर स्पॉन कराई जाने हैं, जितने 5-10 होंगे तो होंगे भैया, ये इसको मार पाएंगे या नहीं। और भैया आयरन गोलम को तो इन्होंने ऊपर उड़ा दिया। हम जल्दी जल्दी से रेवाइजर भी ले आते हैं, रेवाइजर नहीं सॉरी अपना वार्डन, वार्डन को हम यहाँ पर लाते हैं और इसके बीच छोड़ देते हैं। लेट्स गो। वार्डन की फाइट होगी आयरन गोलम से, और यहाँ पर भैया आयरन गोलम तो ऊपर गए। अब जल्दी जल्दी से हम यहाँ पर वार्डन स्पॉन करा देते हैं, देखते हैं आयरन गोलम यहाँ पर वार्डन को मार पाते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से वार्डन यहाँ पर उस पार नहीं जा पाएगा, इसलिए आयरन गोलम इसको मार रहा भाई। लेट्स गो गाइस, यहाँ पर इनने तो भाई बीम अपना बूम छोड़ दिया, और लेट्स गो आयरन गोलम तो इसको मार रहे हैं भाई। अभी से मैंने एक छोड़ दिया, क्योंकि वो थोड़ा सल्का बट रहा था अंदर, इनको नहीं मार पा रहा था भाई पीस लेने, तो इन पर हमला बोल दिया है, दावा बोल दिया, और एक तो गया भाई। लेट्स गो। और ये भी आने वाला है, मैं 2-3 स्पॉन और करा देता हूँ, क्योंकि ये 2 हो गए थे और आयरन गोलम थोड़े से कम रह गए थे। जल्दी जल्दी से मैं एक और आयरन गोलम स्पॉन करा देता हूँ। लेट्स गो। और यहाँ पर इसके ऊपर पंपकिन लगाते हैं, और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गया, पता नहीं क्या कैसा मौसम रहता है माइनक्राफ्ट में बारिश वाला। और यहाँ पर हमने एक स्पॉन कराया था, एक और करा देते हैं, बस एक स्पॉन और कराएंगे, जिसके बाद देखेंगे इसको मार पाता है या नहीं। चल भाई इसको मार जाके, ये भी गया, और लास्ट स्पॉन कराते हैं हम, ये इसको मार पाएगा या नहीं। लेट्स सी। और भैया ये गैस कुमार ने, और ये लिटरली उसने भैया 2 शॉट में मार दिया, क्योंकि उसकी बहुत हेल्थ कम होगी। और इसको हम अब अपने तलवार की सलामी देंगे, ये इसको मैंने तलवार फेंकी और उठा ले भाई इसको, और हम अब कराएंगे वार्डन और सेल्कर्स की फाइट। लेट्स गो। और इसके साइड बाई साइड हम 10 सेल्कर जो है स्पॉन करा देंगे, देखते हैं इन फाइट में कौन जीतता है, वार्डन या सेल्कर। और मैंने यहाँ पर 10-12 जो है लिटरली यहाँ पर स्पॉन कर दिए हैं सेल्कर भैया, इसने तो एक मार भी दिया, और देखते हैं अब सेल्कर इसको मारेंगे या नहीं। वो भैया इन्होंने तो अपना मुंह खोल दिया और अपने बॉल्स हैं जो फेंकने लगे हैं, और वो स्पॉन आस पास टॉलीपोर्ट भी हो रहे हैं। और यहाँ पर भैया वार्डन तो ऊपर उछाल दिया ये, इसको मेरे हिसाब से वार्डन को फॉल डैमेज नहीं मिलती है, तो इसलिए ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और ये सोनिक बूम भी अपनी फेंक रहा है इनके ऊपर भैया, ये बड़ा खतरनाक मॉब आया है माइनक्राफ्ट में, और इसको भैया मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये सेल्कर इसको ऊपर उठा रहे हैं डर के मारे बेचारे। और यहाँ पर ये लिटरली वो ऊपर जा रहा है, और देखते हैं ये गिरेगा और इसको फॉल डैमेज मिलेगी या नहीं। और लेसी और भैया, और ये एक और लगी इसको बॉल भैया, गजब कितना टाइम लेगा। और ये मेरे हिसाब से गिरने वाला है वार्डन, देखते हैं इसको फॉल डैमेज मिलेगी नहीं। अभी गिरा इसको फॉल डैमेज मिलती है। लेट्स गो। और ये अपनी सोनिक बूम छोड़ता यार, और सेल्कर इस पर अपनी बॉल फेंकी जा रहे हैं। लेट्स गो। और ये वार्डन दोबारा से ऊपर गया, और ये मेरे हिसाब से अब गिरने ही वाला है वो। लेट्स गो। गिरा वार्डन, इसके डैमेज पड़ती है, और देखते हैं अब ये कितने सेल्कर को मार पाता है। और ये उसने सोनिक बूम छोड़ी तो एक मार दिया भाई सेल्कर ने, पर इसको फिर ऊपर उड़ा दिया, क्योंकि सेल्कर के पास और डैमेज तो है ही नहीं भैया, और ये ऊपर ही उड़ा जा रहे हैं इसको। और अब देखते हैं कितने ऊपर जाके ये फिर नीचे गिरेगा भैया, ऊपर जा रहा है ये, तो सोनिक बूम भी छूट रहा हो भाई, इतने ऊपर से भी सोनिक बूम छूटता है भाई साहब ये तो। और ये वार्डन फिर से नीचे आया, और भैया इसने तो एक सेल्कर मार भी दिया, और ये भैया कितने सेल्कर मार पाएगा, और सेल्कर मार क्यों नहीं रहे अब, उसने तो एक मार दिया और ये और दूसरे ही मारेगा मेरे हिसाब से। सेल्कर मुर्गे नहीं खोल रहे, अपना बॉल्स भी नहीं मारे, दूसरा भी गया भाई साहब, और ये तीसरा भी जाने वाला है सेल्कर मेरे हिसाब से, वार्डन यहाँ पर जीत जाएगा। और एक तीसरा भी गया, और मेरे हिसाब से ये चौथा और पाँचवा भी गया। लेट्स गो। सेल्कर से तो हमारा वार्डन है जो जीत चुका है, और यहाँ पर अब होगी फाइट वार्डन वीस इवोकर्स। और मैंने यहाँ पर कमरा टाइप बनाकर उसमें वार्डन एंड इवोकर स्पॉन करा दिए हैं, और यहाँ पर इसको मार रहा है, और हम एक बाहर स्पॉन कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो इनको मारेगा तो भैया सभी के सभी गुस्सा होंगे। देखते हैं अभी अपने पंसी वगैरह ये छोड़ते हैं या नहीं, तब ये मैं तब तक इसमें बहुत सारे इवोकर्स डाल देता हूँ, तब तक ये गुस्सा होता और ये सोनिक बूम छोड़ेगा मेरे हिसाब से इनको अंदर वालों को मारने के लिए। लेट्स सी। और ये कब तक अपनी सोनिक बूम छोड़ता है भाई, छोड़ दे जल्दी।
हमको देखना है। ओ भाई इसने सोनिक बूम अपनी छोड़ दिया और सभी को सभी गुस्सा हो चुके हैं और यहाँ पर अपने पंसी छोड़ दिया और यहाँ पर अपने सोनिक बूम मार रहा है वो कर, और यहाँ पर उसने अपने कांटे वगैरह भी छोड़ने शुरू कर दिए। और भाई यार आज तो बॉर्डन गया, आज तो काम से गया बॉर्डन, पर अंदर वाले को बॉर्डन को तो डैमेज नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे सब फाइट उनकी बाहर वाले से हुई है ना। लेट्स गो। और यहाँ पर भैया वो कुछ तो इस वार्डन को मारी जा रहे हैं, वो इन पर सोनिक बूम छोड़ी जा रहा है और भाई साहब उसको तो डैमेज ही बहुत पड़ रही है और भैया मार दिया है इसने तो। और यहाँ पर एक ट्राई हम और लेना चाहेंगे क्योंकि ये हमने वार्डन बाहर स्पॉन करा दिया, हम इस पर तब तक इवोकर स्पॉन करा देते हैं और यहाँ पर देखते हैं अपनी कब तक ये सोनिक बूम छोड़ता है, लेट्स सी। और यहाँ पर ये देखते हैं हम इसको और भैया ओ भैया अब छोड़ेगा, अब छोड़ो। ओ भाई साहब इसने अपनी सोनिक बूम जो है छोड़ दिया और लेट्स सी। और यहाँ पर पहले से तो ज़्यादा पंसी आ चुके हैं और यहाँ पर पहले से तो ज़्यादा कांटे डाल रहे हैं इस पर वार्डन पर और ये अपने पता नहीं कहाँ भाग चुका है वार्डन, भैया कहाँ गया डर के मारे। और ये पंसी जो है इनको कोई ना कोई इफेक्ट भी लगा रहे हैं और ये पता नहीं कौन सा इफेक्ट लगा पड़ा है इस पर। ओ भैया इसने अभी ये तो बॉर्डन भाग रहा है इनसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं और भाई साहब इनको इसको डैमेज ही बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और ये बॉर्डन तो गया भाई मिट्टी के ढेर में। और यहाँ पर इस राउंड के विनर होते हैं हमारे इवोकर्स। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि ये मेरा ब्रांड न्यू चैनल है। अब आगे ऐसे भी बढ़िया आपको और भी कंटेंट आते जाएंगे और इस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ऐसे नज़ारे कभी ना कभी मिलते हैं वो मेरे चैनल पर। लेट्स सी आप लोग कितने जाने इस वीडियो पर लाइक करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको और कैसा कैसा कंटेंट देखना पसंद है डॉक्यूमेंट।